तो उनके नाम के चंगे बच्चे बन गए हैं और आज हम जा रहे हैं लाहौर। और वो इस टूर की स्पेशल बात यह है कि आज बाइक पर सफर करूंगा मैं। एंड इट्स फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई एम गोइंग टू राइड ऑन मोटरबाइक टू फार। साइड पर जा रहे हैं और रास्ते में काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक। ये बाबा हमारे अपना ट्रैक सूट पहन रहे हैं ताकि सफ़र को सेफली हम क्रॉस कर सकें, बिल्कुल सेफली जा सकें रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रैक सूट पहना जा रहा है। गुजार दिया फाइनली फैसलाबाद खत्म हो गया। शाह रोड हुए पर हौसला हुआ कि अब बाइक से जल्दी उतरने का मौका मिलेगा क्योंकि बैटरी कमर की बस हो गई है और भी बैठा जा रहा। लेकिन थर्ड टूर प्लाजा फाइनली क्रॉस हो गया है और ब्लॉग में कहना आसान है, गिनना पड़ रहा है टाइम को, बहुत मुश्किल हो रही है। बट ये एक सफ़र हमेशा वही बात याद रहेगा क्योंकि पहला सफ़र है इस तरह और शायद आखिरी हो। दोबारा मैं बाइक पर एक गलती नहीं करने वाला। बाबा जान इनकी हिम्मत है, इतनी दूर तक ड्राइव करते आ रहे हैं वरना मेरी तो बात हो गई है बैठ के पीछे ही। वैसे इतनी गर्मी है, नहाने का बड़ा दिन कर रहा है लेकिन अगर अंदर गया तो वापस बाहर नहीं आऊंगा, इसलिए बस अब चले। थोड़ी देर रुकना तो बैठ बैठ के थकावट हो गई थी तो बस अब आगे का सफर स्टार्ट करें वरना तो आगे से रह देंगे यहाँ रुकेंगे। तो बहुत टूर प्लाजा क्लोज क्रॉस हो गया है, फाइनली एक टूर प्लाजा रह गया बस, उसके बाद सीधा लाहौर में चेक इन होगा। और अल्लाह का शुक्र है अब तक सफर बिल्कुल सही किया और आगे भी इंशाल्लाह बिल्कुल सही जाएगा। फाइनली फिफ्थ टूर प्लाजा क्रॉस कर लिया, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए हैं और अच्छा एडवेंचर था। अब जो हमारा स्टॉप पॉइंट है वो हम कर वहाँ जाएंगे और घूमने आए हैं आज, जो भी जहाँ भी फिरेंगे उनके साथ ही है। ब्लॉग बन रहे हैं, बोलोगे नहीं कुछ कासिम भाई? हाँ वो बारबेक्यू करेंगे आज। ठीक है बस हम लोग कीमा करवाने दे, छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी खुशी। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक हूं। ये हमारे शहजादे मोमेंट के कुछ गाइस इनके चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। बच्चे की हिम्मत है, उसने अपनी मम्मी अंगीठी उठाई। गाइस अंगीठी उठा के रख दी है,
ये देखें आप, लाइट भी लगानी है हमें। लाइट भी लगाना है, हमारे मामू आएंगे तो लाइट लगाएंगे, वो तो फ्री लगा अंदर। लाइट भी लगा दूंगी गाइस। अभी जो मैंने खेला तो मैंने देखा मुर्गी थी जो ग्रिल के ऊपर चल रही थी। तो आपने मुर्गी को कुछ नहीं कहा? नहीं, हम तो इतना तंग करते होते थे। जिसके साथ खेले थे मैंने उसको कहा पत्थर है दिखा, मैं उसको मारू। वो कहता गाइस दोबारा तो के ना के चंगे बच्चे बन गए हैं। और ये मोमिन है और ये हमारा बारबेक्यू स्टार्ट हो गया। ये हमारी छोटी सी व्लॉगर आ दिया, ये हमारी छोटी सी व्लॉगर है। ये हमारा मीसम, मीसम भाई बहुत भूखा है इस टाइम, बेचारा 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ है प्लेट लेके, लेकिन इसको कोई रोटी भी नहीं दे रहा, रोटियां भी नहीं आई अब तक। मीसम आप कैसा फील कर रहे हैं? मजाक हो रही है। हमारी हादिया ने कबाब बनते ही और मोमिन ने कबाब बनते ही खाना स्टार्ट कर दी है। बेचारों को वैसे तो कोई घर में पूछता नहीं है, तो इन्होंने इसी तरह खुद ही उठा के स्टार्ट कर दी। तो किसी को आपको तो कोई नहीं पूछता, तो आग बाबा भी नहीं पूछते। हमारे घर के बच्चों ने पेट पूजा कर ली है, उसके बाद ये हरकतें कर रहे हैं। वो अर्तगल है और ये मारिया है और दोनों एक दूसरे फाइटिंग कर रहे हैं। ये दोनों मक्खियां उड़ा रहे हैं गाइस, मच्छर भी उड़ा रहे हैं। हमारे कुर्मा से उस्मान साहब को लग गई चोट जो कि कबाब खाने लगे थे बड़े मजे से। और स्लिप हो गया, गिर गया। ये देखें गाइस, कुल्हाड़ा मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये कुल्हाड़ा मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसको बनाते मेरा हाथ भी जल गया था गाइस। आग लगे बस्ती में, बच्चे अपनी मस्ती में। सो फिलहाल अब हम सोने लगे हैं, सुबह से लेके शाम रात हो गई, बहुत थकावट होगी सफर की वजह से। इंशाल्लाह इसी व्लॉग में सुबह मुलाकात होगी। बाय।